तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज़ रंजन। और आज के सेशन में अब आप देख रहे हैं यहाँ से सॉल्यूशन सीरीज़ फॉर बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड नेटवर्क। जी हाँ, तो आज डे वन ऑफ दिस न्यू थिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस पिछले वीडियो को देख लीजिए। क्वेश्चन सेशन का वीडियो है, ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा और वहाँ से आपको ये क्वेश्चन सेशन का वीडियो जो है वो मिल जाएगा। बिकॉज दिस वीडियो इज़ सॉल्यूशन वीडियो। अभी आप जो देख रहे हैं वो है सॉल्यूशन वीडियो, एक्सप्लेनेशन वीडियो। और अगर आपने पिछले जितना भी मैंने क्वेश्चंस आपको 10 सवाल दिखाए हुए थे उसको सॉल्व कर लिया है और उसके सिर्फ आंसर की को चेक करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फटाफट से ओपन कर लीजिए। पूरे 10 क्वेश्चंस की आंसर की वहां पर मेंशनड है। तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आपको स्पेसिफिकली एक दो क्वेश्चन पर डाउट है कि उनका सोल्यूशन कैसा बनेगा, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन पर आ जाइए। और कमेंट सेक्शन पर पिंड कमेंट में देखिएगा, पूरी की पूरी टाइमलाइन बना रखी है मैंने वहां पर। तो उस टाइमलाइन के हिसाब से हर क्वेश्चन का सीक्वेंस पता चल जाएगा। जो क्वेश्चन स्पेसिफिकली देखना है उसी क्वेश्चन को ओपन कर लीजिए उस टाइमलाइन से। और अब हम यहां से शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट। सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन जो है वो हम लोग फटाफट से देखते हैं, ठीक है? चलिए, तो आज के सेशन पर, अच्छा एक छोटा सा करेक्शन था एक क्वेश्चन पर, मैं आपको बताऊंगा, जिसके ऑप्शन में एक डेटा जो है वो 3/4 दिया हुआ है, बट एक्चुअल में उसको 4/3 कर लीजिएगा। करेक्ट, मैं समय आने पर आपको बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन सेशन। अब यहाँ से सोल्यूशन सेशन ऑफ टुडेज क्वेश्चन सीरीज, जो आपसे 1 घंटे पहले आप लोगों ने जो वीडियो देखा होगा ये उसका सोल्यूशन चल रहा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड नेटवर्क के क्वेश्चन लाए थे हम लोग। सो लेट अस टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है? तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन था, दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप एकदम मस्त तरीके से सॉल्व कर चुके होंगे। अगर नहीं तो यहाँ सोल्यूशन देख लीजिए जल्दी से, क्या इसका आंसर होना चाहिए। लिखा हुआ इन द गिवन सर्किट द वैल्यूज V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली शुड बी हाउ मच। वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, देखिए यहाँ पर V2 है और इस जगह पर V1 बना हुआ है, एंड दिस इज द केस ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। इसको जल्दी से मैं लेकर के चलता हूँ बोर्ड पर और तुरंत आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। देखिए इसको बोर्ड पर लेकर के चलते हैं तुरंत और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो क्या होना चाहिए। चलिए लेट्स सी। देखिए आपको अब यहाँ पर V1 V2 दोनों की वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक? अब मैं ये मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको V1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर मैं नोडल एनालिसिस के फॉर्म में देखूँ तो बिटवीन दीज टू पॉइंट्स द वोल्टेज इज V1। अगर ये 0 पर है तो इसका मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज V1 है और यहाँ पर भी वोल्टेज V1 ही है, ठीक? तो इसके हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये I करेंट जो है इसकी वैल्यू है V1/4। लिख सकते हैं डिपेंडेंट सोर्स है ना, देख के टेंशन नहीं लेना है आपको। कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है ये? करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स दिखाई दे रहा है आपको, उसकी वोल्टेज बताया हुआ है V1, ठीक? तो हमको ये पता है कि I की वैल्यू जो है इट इज गिवन एज V1/4। छोड़ देते हैं इसको इतना ही लिख के, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। अच्छा इस सेक्शन पर कितना करंट जा रहा होगा, इस सेक्शन पर भी V1/4 है, ठीक है? उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, मुझको तो I की वैल्यू चाहिए थी ताकि मैं यहाँ पर पुट कर सकूँ 2I पर, है ना? बट चलिए अब एक काम करते हैं, अप्लाइंग KCL, जल्दी से KCL अप्लाई करते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है जल्दी बन जाएगा। तो KCL जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा इसका सोल्यूशन जो है वो कैसा हो जाएगा, देखिए इनकमिंग करंट मेरे पास 5 है, आई विल से 5 इज इक्वल्स टू, अब आउटगोइंग करंट देख लीजिए V1/4 यानी कि I प्लस यहां से फिर से V1/4, इसका कुछ और नाम तो है नहीं, तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ V1/4। और इस तरफ क्या है, आउटगोइंग करंट 2I प्लस 2 टाइम्स ऑफ I, लिख लिया ऐसा। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो दिस विल बिकम 2+1 3I प्लस V1/4। आप चाहें तो I की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं वहां से, वैसे भी आपको V1 से मतलब है तो आप I की वैल्यू V1/4 सब्सटीट्यूट कर लीजिए। सो दिस विल बिकम 3V1/4 प्लस V1/4, ऐड कर लीजिए दोनों को, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ V1/4, दैट इज इक्वल्स टू V1। तो V1 की वैल्यू इधर कितनी आ गई आपके पास, 5। तो आप लिख सकते हैं सीधे सीधे V1 की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट है। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। मुझे लगता है एक ही आंसर से आपका काम बन जाना है इस क्वेश्चन में। देखिए और कहीं पर 5 वोल्ट का ऑप्शन है नहीं सिवाय ए ऑप्शन के, तो आंसर तो मेरा यहीं पर आ गया कि हाँ भाई 5 वोल्ट आ रहा है। बट अब चूंकि हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं तो मैं आपको 25 वाला भी पोर्शन सॉल्व करके जल्दी से दिखाता हूं, ठीक है? तो 25 अब कहां से आएगा, देखिए आपको अब V2 फाइंड करनी है ना। ये V1 की वैल्यू आपके पास है, अब कितनी वैल्यू है, 5 है। ये V1 की वैल्यू आपके पास 5 वोल्ट की है, ठीक है? 25 कैसे आएगा, देखिए यहाँ का वोल्टेज जितना होगा इन दो पॉइंट्स के बीच का
उतना ही वोल्टेज यहां से लेके पूरे सेक्शन के अक्रॉस का होना चाहिए। ठीक, तो सामने वाले पोर्शन में कितना वोल्टेज है? 5 वोल्ट है। इसको सर्किट के फॉर्म में अगर मैं ड्रॉ करूं तो करंट ऊपर से नीचे आ रही है, यहां प्लस यहां माइनस, ठीक, 5 वोल्ट। अच्छा, इस 4 में कितनी करंट जा रही है? देखिए 5 एम्पियर की करंट जा रही है, मतलब यहां प्लस और माइनस साइन होगा और 5 4 20 वोल्ट इधर बन जाएगा। ड्रॉ कर दीजिए 20 वोल्ट। आपको इसका वोल्टेज चाहिए ना, इसका वोल्टेज चाहिए, लेट इट बी V2। यही सर्किट है, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप बिल्कुल थेवेनिन्स के तरीके से इसको मैं बता रहा हूं आपको, तो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो आप लिखेंगे प्लस ऑफ V2, प्लस ऑफ V2 -20 -5 इज इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर V2 इज इक्वल्स टू यहां -25, उस तरफ जाकर के +25, सो दिस विल बी 25 वोल्ट। आगे आपका आंसर देखिए 25 वोल्ट भी आ रहा है बिना किसी डाउट के, एकदम परफेक्ट आंसर कंप्लीट होता है इसी के साथ ये सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब यहां से हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था ये, और इसमें देखते हैं कि क्या पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए ये आ गए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें लिखा हुआ है, इन द गिवन सर्किट इफ ऑल द रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल एंड ऑफ 300 ओम्स ईच, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम्स ऑफ द नेटवर्क इज हाउ मच। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे नेटवर्क का ओम्स में। देख करके लग रहा है सर्किट जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, बट असलियत में ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। आप लोग इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना रखे हैं, मस्त से सॉल्व होगा, बस थोड़ा सा आप विजुलाइज अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन एकदम तुरंत के तुरंत बन जाएगा आपसे, कैसे विजुलाइज करना है देखते जाइए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे हर पॉइंट पर व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई देगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट, सभी रेजिस्टेंसेज आइडेंटिकल अगर हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर मैं यहाँ कंसेप्ट देखूँ तो मुझे ये पोर्शन पूरा एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता है। पैरेलल ब्रांचेस जो है इसका अगर मैं कैलकुलेशन देख लूं तो दिस मल्टीप्लाइड विद दिस ब्रांच और सिमिलरली दिस ब्रांच मल्टीप्लाइड विद द अदर वन, इससे मुझे क्या मिलता है? इससे मुझे यहां से मिलेगा कि पूरा सेक्शन आइडेंटिकल है, ब्रिज इज बैलेंस, उसके सभी आर्म्स बैलेंस है। तो क्या इस आर से कोई करंट जानी है? कोई करंट नहीं जाएगी। चलिए इधर पर, इधर इस तरफ आते हैं, इन दोनों के बीच में भी देखिए यहां पर भी इस आर से कोई करंट नहीं जाएगी, सिमिलरली यहां पर भी इस आर से कोई करंट नहीं जाएगी। तो आपका ये जो मिड पोर्शन का जो ब्रांच हो गया इससे तो कोई करंट ही नहीं जा रही है। तो अब आप इस सर्किट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो देख लीजिए जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसको आप समझ गए तो फिर बस पूरा क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाने वाला है। देखिए अब इसी सर्किट का सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ रिजॉल्व करके। ठीक, यहां से इसको ओपन कर देते हैं हम लोग और उसके बाद अब देखते हैं। देखिए ये दोनों आर ड्रॉ करेंगे, यहां पर आर, यहां पर आर, वैल्यू आखिरी में यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला आर बगल वाले ब्रांच के साथ क्लब्ड है, तो इसका मतलब ये आर जो है इस ब्रांच के साथ ऐसे क्लब करके बना हुआ है और इस पॉइंट पर कुछ नहीं हो रहा है। यहां से नीचे भी ऐसी क्लब सेक्शन है, नीचे भी ऐसे ही दो आर का क्लब सेक्शन है। ठीक है, अब ये बीच की लाइन मैंने हटा दिया, वहां से कोई करंट डिवाइड नहीं हो रही है। चलिए सेकेंड पॉइंट पर आ जाइए, इधर पर क्या हो रहा है? यहां पर भी ये दो सेक्शन आखिरी के ये दोनों सेक्शन जो है ये क्लब्ड है, तो एक आर, एक दूसरा आर, यहां फिर एक आर और यहां फिर एक आर। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए, इसको भी ड्रॉ कर दिए और आखिरी में बाहर वाले ये जो दो आर है इनको ड्रॉ करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव करता हूं यहां से और आखिरी में फिर से दो रेजिस्टेंसेस जो है इनको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। बोलिए अब सर्किट सॉल्व होगा या नहीं होगा आपसे? तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा यार, दिख रहा है पूरा, विजिबल है कि अब आगे क्या करना है, एकदम क्लियरली विजिबल है। चलिए अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब आप क्या करेंगे यहां से, अब इसका एक छोटा सा सिंप्लीफाइड नेटवर्क जो है उसको बना लेते हैं हम लोग। दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ आर, आर प्लस आर, 2 आर। यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए आर पैरेलल 2 आर है, तो आर बाई 2, और नीचे भी क्या है? आर पैरेलल 2 आर, तो आर बाई 2 वहां पर भी, तो आर बाई 2, आर बाई 2 दोनों मिला के कितना हो जाएगा? आर बनेगा ना। ठीक, सेम सिनारियो यहां पे भी है, यहां पे लिख देता हूं आर, इधर पर भी पहले सिनारियो जैसा ही है, मतलब यहां पे बनेगा 2 आर। और यहां पर आपको ए और बी पॉइंट्स के बीच में क्या पूछा है? आर ए बी। बताने की जरूरत नहीं है इसके आगे कि आप फटाफट से खुद ही बना सकते हैं। तो 2 आर और 2 आर को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा? 2 आर और 2 आर को अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 आर बाई 2, दैट इज इक्वल टू आर। तो मतलब एट द एंड मेरे पास तीन रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसे पैरेलल कनेक्टेड दिखेंगे, आर आर आर। ठीक है, आर 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 पिक्चर जो है वो बन जाएगी इसके आगे। और फाइनल आंसर अपना क्या आएगा? आर बाई 3।
सो द फाइनल आंसर इज आर बाई थ्री, द वैल्यू ऑफ आर इज 300 डिवाइडेड बाई थ्री कर दीजिए, 100 इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है, बी ऑप्शन पर दिया हुआ है, मिल गया हमको आंसर। डायरेक्टली देख के बता सकते थे, बिल्कुल बता सकते थे, कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की, सीधे सीधे देख के आप बता सकते हो कि यहाँ पर सॉल्व किस तरीके से, ये दोनों सेक्शंस इनका पैरेलल, इनका पैरेलल, वैसे यहाँ पर इसका और इसका पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल, ये दोनों सेक्शंस फिर बाहर रहेंगे। और आप इसको अब आप देख करके बनाएंगे तो आपको कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ क्वेश्चन टू कंप्लीट होता है, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ इन द गिवन सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज वी एक्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज वी एक्स इन वोल्ट्स इज हाउ मच, वी एक्स आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज वी एक्स इज हाउ मच। चलिए सॉल्व करते हैं यहीं पर, इसको भी चलिए लेकर के चलते हैं उसी पेज पर। आपको वी एक्स की वैल्यू पूछा, डिपेंडेंट सोर्स दिया, डिपेंडेंट सोर्स देख करके लगेगा कि बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा या लेंदी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं, बस आप तरीका देखते जाइए। देखिए एग्जामिनेशन में हो सकता है कि ये डिट्टो क्वेश्चन ना पूछे आपको, लेकिन इतना तो श्योर है कि आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो इनसे मिलता जुलता सवाल पूछेगा, अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप बना लेंगे, बस आप थोड़ा सा टेक्निक अगर समझ गए इनका तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए फिर बड़ी बात नहीं रहेगी। चलिए भाई, तो ये आपकी सर्किट है जो सवाल में दी हुई है, ठीक, इसी सर्किट के साथ सॉल्व करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे Vx लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका जो नोड है वहां पर भी मैं बोल सकता हूँ कि Vx है, मतलब ये जो पॉइंट हो गया मेरा, दिस पॉइंट विल बी Vx, ठीक, और ये वाला पॉइंट है वोल्टेज सोर्स होने की वजह से 0.25 टाइम्स ऑफ Vx, ये भी दिखता है, 5 एम्पियर की करंट इनकमिंग है। देखिए ये भी नोड कोई अलग नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इक्विपोटेंशियल सेक्शन है, तो ये वाला पूरा नोड यहीं पर जुड़ा हुआ है, या फिर एक तरीके से बोल दो कि यहाँ का भी वोल्टेज Vx है, बात वही है। अगर ऐसा है तो इस सर्किट को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा फिर, तो मैं जितने भी इनकमिंग करंट्स हैं और आउटगोइंग करंट्स हैं उसके फॉर्म में इक्वेशन लिखता हूँ जरा, ठीक है, आप देखिएगा। तो यहाँ पे 5 एम्पियर इज द इनकमिंग करंट, 5, दिस इज इक्वल्स टू Vx बाई ट्वेंटी प्लस Vx माइनस 0.25 टाइम्स ऑफ Vx डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10 भी हो गया, और इससे आउटगोइंग करंट कौन सी है, प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ Vx, ऐसा इसको लिख सकते हैं हम लोग। बोलिए केवीएल केसीएल इक्वेशन आपको ये वाली समझ आई कि नहीं आई, क्या ये केसीएल इक्वेशन सबको क्लियर? अगर ये क्लियर है तो इसके आगे का प्रोसेस जो है वो देख लेते हैं। अब एलसीएम लेते हैं यहाँ से, नाउ वी विल गेट 5 इज इक्वल्स टू होल अपॉन 20 आ गया, ठीक, 20 आ गया, ऊपर के टर्म्स जो है उसको लिखते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू Vx प्लस 2Vx माइनस 0.5 प्लस 0.5 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 2 5 10 10 Vx, ऐसा लिखेंगे। अब 10 और 1 11 और 2 13, 5 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 13 टाइम्स ऑफ Vx माइनस 0.5, 0.5 भी Vx के साथ ही है, अलग से नहीं है, ठीक है, ये माइनस 0.25 टाइम्स ऑफ Vx था, ये भी Vx के साथ है, 0.25 टाइम्स ऑफ Vx, ओके, सो 100 इज इक्वल्स टू 12.5 टाइम्स ऑफ Vx, मिल गई आपको Vx की वैल्यू कितनी, 100 बाई 12.5, तो 12.5 का 4 टाइम्स करते हैं तो 50 आता है, 8 टाइम्स कर देंगे तो 100 आ जाएगा, 8 वोल्ट इज आवर आंसर, बन गया होगा आप लोगों से ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व हुआ। देखिए कितने स्टेप्स में सॉल्व हुआ क्वेश्चन, एकदम फटाफट से बन रहा है, डिपेंडेंट सोर्स कुछ परेशानी नहीं कर सकता आपको। चलिए तो हम लोग पहुंच गए इस क्वेश्चन के ऑप्शन डी पर, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यहीं पर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर, चौथा सवाल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और क्या लिखा हुआ है भाई इस पे, चलो देखते हैं। लिखा हुआ इन द गिवन सर्किट द पैरामीटर के इज पॉजिटिव एंड द पावर डिसिपेटेड इन द 2 ओम रेजिस्टर इज 12.5 वाट्स, 2 ओम रेजिस्टर जो है 12.5 वाट का पावर डिसिपेशन कर रहा है। आपको बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, द वैल्यू ऑफ के इज, अगर राउंड ऑफ कर दिया जाए तो के की वैल्यू जो है वो कहां तक पहुंचती है, चलिए लेट्स सी, देखते हैं। अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करने के लिए बोला था,
ठीक है, चलिए पूरा सॉल्व करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पावर डिसिपेशन का, उसको भूलिएगा मत। यहाँ पे आपको बोलता है पावर डिसिपेशन 12.5 वाट्स का है, तो क्या इस पावर और रेजिस्टेंस के हेल्प से ये वोल्टेज वी नॉट निकाल सकता हूँ क्या? अगर ये वोल्टेज मिल गई तो बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमको पता है पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि 12.5 इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितने का है 2, इस पूरी वैल्यू का रूट विल बी इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी इससे, कितना हो जाएगा चलिए देख लेते हैं। तो 12.5 इंटू 2 दैट इज 25, रूट के अंदर हम लिखेंगे 25, और फाइनली आई विल से कि वी नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5 वोल्ट्स। एकदम सीक्वेंस पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। 5 वोल्ट का वी नॉट मिल गया आपको यहाँ पर, ठीक। डायरेक्शन देखिए, यहाँ प्लस इधर माइनस है। अब 4 के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे इनका रिजल्टेंट इस नोड पे कितना दिखेगा बताइए। तो 4 से डायरेक्शन ऊपर की तरफ, 5 से डायरेक्शन नीचे की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हुए सीन है। तो इसका मतलब यहाँ रिजल्टेंट कितना बचेगा, -1 वोल्ट्स। तो मेरे पास इस जंक्शन का पोटेंशियल कितना आ गया, -1 वोल्ट्स। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इनकमिंग आउटगोइंग करंट का सीन है बस, और कुछ नहीं बचा इसके अंदर। यहाँ तक का अगर आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा तो पूरा क्वेश्चन बन गया सपोज कर लीजिए। चलिए तो जंक्शन पोटेंशियल मेरे पास कितना है, -1 वोल्ट, वो वी की वैल्यू है, ठीक। अब मैं लिखूंगा यहाँ से, देखिए सबसे पहले ये इनकमिंग करंट कितनी है, के टाइम्स ऑफ वी नॉट। कितनी करंट है, के टाइम्स ऑफ वी नॉट, ठीक है। उसके बाद आउटगोइंग करंट है 5 एम्पियर। कितनी है आउटगोइंग करंट, दैट इज 5 एम्पियर, ठीक है। और यहां से आने वाली जो करंट है इसको आई टोटल लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो के टाइम्स ऑफ वी नॉट इनकमिंग, आई टोटल भी इनकमिंग है, अच्छा। तो प्लस आई टोटल इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, दैट इज 5, लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है भाई। वी नॉट की वैल्यू 5 है, हमको पहले से पता है, के टाइम्स ऑफ 5 प्लस आई टोटल। कैसे निकालेंगे आप, तो आई टोटल इज इक्वल टू 5/2, आई टोटल की वैल्यू 5/2 से निकलेगी, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 5। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 10K प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो 10 टाइम्स ऑफ के इज इक्वल टू 10 माइनस 5, और के इज इक्वल टू 10 माइनस 5 दैट इज 5/10 विच इज नथिंग बट 1/2 या फिर 0.5। के की वैल्यू देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप के की वैल्यू जो है वो सॉल्व होके आ गई अपने आप, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने तरीका सही लगाया ना तो पूरा का पूरा सोल्यूशन आपके आँख के सामने खुद ब खुद आएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक। के की वैल्यू 1/2 आ रही है क्या, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल कोई नया फॉर्मूला नहीं चाहिए। 1/2 यानी कि 0.5, बी ऑप्शन राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेट अस टेक द 5th क्वेश्चन। पांचवा सवाल ये भी डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन है, आज बैक टू बैक सब डिपेंडेंट सोर्स आए हैं यहां पर, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या पूछा है चलो देखते हैं। 5th क्वेश्चन बोलता है, इन द सर्किट शोन बिलो द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम्स अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी। जब डिपेंडेंट सोर्स का केस आ जाए तो ऐसे ही हटा के ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते हैं इस सोर्स को, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ आता पता नहीं। तो अब फाइंड कैसे करें यहाँ से, एक छोटा सा तरीका आपको मैं बताता हूँ, वही तरीका अप्लाई कर दीजिए, बहुत ईजिली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट अस अज्यूम अ वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट, इसकी जगह आप करंट भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक। बट मैं यहाँ पर क्या अज्यूम करवा रहा हूँ आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ एक वोल्टेज अज्यूम कर लीजिए कि ए से बी के बीच में मैंने वोल्टेज का सोर्स लगा दिया 1 वोल्ट का, ठीक। अब देखिए इसके आगे क्या हो रहा है। अब अगर ये 1 वोल्ट का सोर्स है तो ये करंट कितनी दे रहा होगा इस ब्रांच में, आई टोटल, ठीक है भाई। अब ये इसकी आई टोटल जितनी भी होगी, मुझे इतना पता है कि इसमें से कुछ करंट यहां से आई बन के जा रही है। क्या ये आई की वैल्यू अभी निकाल सकते हैं क्या, देखिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल जितना यहां है उतना ही यहां पर भी होगा, तो यहां का करंट कितना आएगा, I इज इक्वल टू 1/4 बोल सकता हूँ, 1/4 एम्पियर, बढ़िया। इधर की करंट भी मिल जाएगी क्या, यहाँ का भी तो वोल्टेज वही है ना 1 वोल्ट, तो इधर की भी करंट आप बता दोगे 1/2 एम्पियर, ठीक। ये मुझे मिल गया, तो इस दोनों के हेल्प से क्या I टोटल मिलेगा,
आई टोटल की वैल्यू मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है भाई। आई टोटल मेरा हो जाएगा 1/2 + 1/4, दिस इज इक्वल टू होल अपॉन में 4, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3/4, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई टोटल, कितना आ गया 3/4। ठीक है, चलिए अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी ये टोटल करंट आ गया मेरे पास यहाँ का 3/4 एम्पियर का। ठीक है, ये टोटल करंट मैंने निकाल लिया, इस 4i की कोई खास जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक इसका वोल्टेज 1 है, इसका 4i है, इसके हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, बट जरूरत क्या है जब उससे ईजी वे में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई टोटल की वैल्यू 3/4 है मेरे पास और वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट है, तो बोलिए आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, दैट इज 1/3/4 और 1 × 4/3 दैट इज इक्वल टू 4/3 ओम्स। इस सवाल का ऑप्शन जब आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो उस समय 3/4 दिया था, ठीक है, तो वो ऑप्शन की गलती थी, आपकी गलती नहीं थी, अगर आप उसको सही कर पाए होंगे तो, और अगर आपका आंसर 4/3 आ रहा है तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिल्कुल सही आंसर है आपका, सी ऑप्शन पे 3/4 की जगह 4/3 सुधार लीजिएगा क्वेश्चन वाले सीरीज से उसको देख करके। ठीक है, क्वेश्चन वाली सीरीज के लिए आई बटन पर लिंक है, मैंने बताया था आपको, तो उससे आप इस पूरे सॉल्यूशंस का क्वेश्चन जो था जिस समय हम लोग देख रहे थे उसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, अब यहां से नेटवर्क जो है वो शुरू हो जाएगा, तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस बिगिन विथ द 6th क्वेश्चन। ठीक है, छठा सवाल यहां पर आ चुका है, सिचुएशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द इंडक्टर करंट IL जस्ट बिफोर टी इक्वल्स टू 0 इज, यहां पे थोड़ा सा आपको मैं ट्रांजिएंट्स का बेसिक बताऊंगा तो आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर ट्रांजिएंट्स आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो इसके बेसिक से आपको काफी कुछ बढ़िया सा हेल्प मिल जाएगा आगे आने वाले क्वेश्चंस पे भी, क्योंकि अब बैक टू बैक नेटवर्क के क्वेश्चंस में ट्रांजिएंट्स वाला इफेक्ट ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, सिचुएशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द इंडक्टर करंट IL जस्ट बिफोर टी इक्वल्स टू 0, और हमको ये सिचुएशन बोलता है कि टी इक्वल्स टू 0 पे स्विच बंद हो जाएगा, उससे पहले खुला है। आपको पूछा एट द वैल्यू ऑफ IL, द वैल्यू ऑफ IL एट टी इक्वल्स टू 0 जो है वो कितना होगा। ठीक, तो मैं 2-3 सिचुएशन आपको सबसे पहले बताता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का क्लियर आइडिया लग जाए। देखिए, अगर मैं यहां पर इस ट्रांजिएंट सिस्टम की मैं बात करूं, ट्रांजिएंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो लेट अस अज्यूम कि ये वो पॉइंट है जहां पे टी इक्वल्स टू 0 की कंडीशन है, ये वो पॉइंट है जहां पर टी इक्वल्स टू 0 की कंडीशन है। ठीक, अब हम सिचुएशन को कहां से देख रहे हैं, हम सिचुएशन को देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस के किसी डायरेक्शन पर, तो माइनस इन्फिनिटी से टी इक्वल्स टू 0 तक का सिचुएशन जो है वो क्या बता रहा है आपको, तो माइनस इन्फिनिटी से टी इक्वल्स टू 0 तक आपको दिख रहा है कि टी इज स्मॉलर देन 0, टी की वैल्यू 0 से कम है। अच्छा, टी इक्वल्स टू 0 से आगे इन्फिनिटी तक टी ग्रेटर देन 0, यही सिचुएशन दिख रहा है, लेकिन इनके बीच में भी 2 सिचुएशन और है, कौन कौन सी 2 सिचुएशन है देखते जाइए ध्यान से, यहां 2 सिचुएशन और है। ये टी इक्वल्स टू 0 होने के जस्ट पहले, टी इक्वल्स टू 0 पर जैसे ये स्विच ऑन हो रहा है उसके तुरंत जस्ट पहले, इमीडिएट पहले, यहां पर एक सिचुएशन होगी, ऐसे ही स्विचिंग के बाद की भी एक सिचुएशन होगी। तो टाइम इंस्टेंट जस्ट बिफोर स्विचिंग, टाइम इंस्टेंट जस्ट आफ्टर स्विचिंग, क्या लिखते हैं इसको, इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं टी इक्वल्स टू 0 माइनस, इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस। कभी ट्रांजिएंट की जब क्लास होगी तो मैं आप लोग को और इसको प्यारे से एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तुरंत आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ये सिचुएशन समझा हुआ है तो आपको ये समझ में आएगा कि स्विचिंग होने के जस्ट पहले, जस्ट कुछ इंस्टेंट ही पहले टी इक्वल टू 0 माइनस की सिचुएशन और जस्ट बाद टी इक्वल टू 0 प्लस की सिचुएशन में जो होगा इस सर्किट में वो बदलने वाला नहीं है, वो फिक्स है अपनी जगह पे। अब ऐसा क्यों, सिनारियो RL सर्किट का है, यानी इंडक्टर के सर्किट का, और इंडक्टिव सर्किट के बारे में एक चीज आपको पता होगा कि करंट जो है, करंट में होने वाला अब्रप्ट चेंज या सडन चेंज जो होता है उसको एक इंडक्टर हमेशा अपोज करता है, हमेशा। तो अगर टी इक्वल टू 0 माइनस पर इसमें कुछ चेंज हुआ रहा होगा या कोई सिचुएशन पर यह होगा तो उसी सिचुएशन को मेंटेन करेगा यह टी इक्वल टू 0 प्लस पर भी। ठीक, और इसके हिसाब से मेरे पास जो न्यू कंडीशन बनती है वो ये है कि देयरफॉर एट टी इक्वल टू 0 माइनस टी इक्वल टू 0 प्लस,
या टी जीरो प्लस दोनों सिचुएशन पर जो होगा वो इसका एक बेसिक स्टेट रहा होगा और इस स्टेट को, इस सिचुएशन को ये इंडक्टर बदलने वाला नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट की। ठीक, जब हम जैसे स्विच कनेक्ट करते हैं और जब स्टेडी स्टेट की बाकी की कंडीशन हम लोग देखते हैं, एट स्टेडी स्टेट क्या हो जाता है? तो भाई इंडक्टर आपका, इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और ये अपनी सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश भी करता है। ठीक, तो अब हमको क्या पूछा है, करंट पूछा है, और करंट की सिचुएशन जो है वो क्या दिया हुआ है, एट टी इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहले आप एक इनिशियल कंडीशन देख लीजिए कि जब ये स्विच खुला था उस समय करंट कितनी जा रही थी, जब ये स्विच ओपन था। ये जस्ट मैं आपको बेसिक्स बता रहा था, हम लोग चाहते तो सीधे सीधे न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे, तुरंत 30 सेकंड के अंदर अंदर आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट इसका मैंने रखा कि आपको ये बेसिक समझ में आ जाए। अब देखिए जब स्विच ओपन है उस समय करंट कितनी जा रही है यहाँ पे, उस समय आईएल की वैल्यू कितनी है, तो एट टी इक्वल्स टू या एट टी जीरो माइनस दैट इज इक्वल्स टू टी जीरो प्लस, इस समय करंट यानी आईएल जीरो माइनस एंड आईएल जीरो प्लस की सिचुएशन क्या है, दोनों तो इक्वली होंगे और इसकी सिचुएशन क्या रहेगी। देखिए सर्किट आपका ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे ये 10 एम्पियर का सोर्स है, पैरेलल में 1, और चूंकि स्विच ओपन है तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर आ जाते हैं 3 ओम, और प्लस ये अपनी स्टेडी स्टेट कंडीशन पे ये अपना इंडक्टर जो है ये पहुँचेगा, तो इसलिए ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट सोर्स मैंने लगा के रखा, ये अपना स्टडी स्टेट अटेन किया, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब बोलिए इससे आईएल की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, इंडक्टर करंट, तो इससे आप निकालेंगे आईएल इज इक्वल टू करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर दीजिए, 10 × 1/3 + 1 = 4, दैट इज इक्वल टू 10/4 विच इज नथिंग बट 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर की करंट हमको यहाँ पे मिलेगी। अब दूसरा सिचुएशन आप ये देख लीजिए कि जब टी इक्वल टू जीरो पे स्विच को बंद कर दिया जाता है, इसको जब हम लोग क्लोज कर दिए, तो उस कंडीशन में ये पूरी सर्किट आपकी क्या होगी, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ये तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, इस सिचुएशन पर कोई सप्लाई सोर्स है ही नहीं, और आपका इंडक्टर जो है उतनी ही करंट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा जितनी उसने टी जीरो माइनस या टी जीरो प्लस पर बनाई हुई थी, या जितनी करंट उसके थ्रू दिख रही थी आपको, ये उसी करंट को मेंटेन करेगा। नो अब्रप्ट चेंजेस इज अलाउड, कोई अब्रप्ट चेंजेस, कोई सडन चेंज कोई अलाउ ही नहीं करेगा। तो मतलब करंट एट द एंड आपके पास कितनी रह जाएगी, 2.5 एम्पियर, अगर ये ऑप्शन में कहीं है तो श्योरली है डी ऑप्शन पे। सवाल का आंसर मिल गया आपको, 2.5 एम्पियर इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपका भी यही आंसर आया था तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एकदम मस्त ट्रैक पे, एकदम बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां से आ रहा है 7वां सवाल, इसको सॉल्व करते हैं जरा जल्दी से, और 7th क्वेश्चन क्या बता रहा है, चलिए पढ़ते हैं पहले सवाल को ध्यान से। एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ 0.01 फैरेड इज चार्ज्ड फर्स्ट बाय अ करंट ऑफ 2 mA फॉर 30 सेकंड्स एंड देन बाय अ करंट ऑफ 4 mA फॉर अनदर 30 सेकंड, द फाइनल वोल्टेज इन इट विल बी हाउ मच। देखिए क्या क्या डेटा दिया हुआ है आपको, कैपेसिटेंस की वैल्यू दिया हुआ है 0.01 फैरेड, ठीक है, इसको इनिशियली हम चार्ज कर रहे हैं, सबसे पहले हम I1 करंट दिए 2 mA का, कितनी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए, ठीक है भाई। सेकंड केस में हम लोगों ने करंट की वैल्यू बढ़ा के अब 4 mA कर दिया, और ये करंट हम लोग अगले 30 सेकंड्स के लिए और सप्लाई दे रहे हैं, तो करंट की वैल्यू अलॉन्ग विद द टाइम, ये दो डेटा आपको गिवन है। अब आपको ये बोलता है कि अब बताओ फाइनल वोल्टेज जो है उसके अंदर वो कितना वोल्ट्स होगा, फाइनल वोल्टेज जो है उसके अंदर कितना वोल्ट्स होगा। तो एक बेसिक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ, वी इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी की सिचुएशन हम लोग जानते हैं, और चूंकि अगर q की वैल्यू मुझे चाहिए, मैं जानता हूँ i इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, या फिर इसी को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूँ, मुझे q की वैल्यू चाहिए तो मैं डी टी को उधर भेज देता हूँ, देन आई विल गेट q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ i टाइम्स ऑफ डी टी, जो भी टाइम पीरियड की बात हो रही हो, 0 से 30 सेकंड या 0 से 60 सेकंड, जो भी। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए मुझे कि q की टोटल वैल्यू जो है पहले तो वो पता लगा लेनी चाहिए कि अभी फिलहाल q यहां पर है कितना। तो q इज इक्वल टू i इंटू टी लिख सकते हैं, ठीक, ठीक है भाई। तो फर्स्ट केस में बताइए q1 की वैल्यू कितनी है, इस पहले केस के हिसाब से q1 कितना होगा, 2 mA × 30 कर दीजिए सीधे सीधे, दिस इज 60
मिली कूलम। वैसे ही आप क्यू ऑफ टू जो है इसको फाइंड कर लीजिए, 4 मिली एम्पियर इंटू 30, हाउ मच विल इट्स वैल्यू विल बी, 120 मिली कूलम, 4 3 12। तो मेरे पास क्यू की दोनों वैल्यूज आ गई। अगर मैं क्यू का टोटल रख दूं डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस तो मुझे टोटल वी जो है वो मिल जाएगा एट द एंड, कितना वोल्टेज बन रहा है वहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, मुझे ऐसे पूरा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसान वे में आंसर आ जाएगा। सो देयर फोर आई विल से वी इज इक्वल्स टू 60 प्लस 120, ये सब मिली में चल रहा है पूरा, डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू 0.01। तो दिस इज इक्वल्स टू 180 इंटू 10^-3 अपॉन 0.1, दैट इज इक्वल्स टू 18 वोल्ट। दिस इज क्लियरली इक्वल टू 18 वोल्ट। आंसर आ चुका है आपका ऑलरेडी यार, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर ये आपने आंसर किया था, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही कंसेप्ट पर चल रहे हैं आप। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। 8th क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 ये आ चुका है अलॉन्ग विद द सर्किट। लिखा हुआ इन द सर्किट शोन बिलो, एस वॉज इनिशियली ओपन, स्विच ओपन था शुरू में। एट टाइम टी इक्वस टू जीरो एस इज क्लोज। अब टी इक्वस टू जीरो का जब समय आया तो स्विच बंद हो गया यहाँ पर। ठीक, वेन द करेंट थ्रू द इंडक्टर इज 6 एम्पियर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट थ्रू द रजिस्टर इज 6 एम्पियर पर सेकेंड। जब करेंट इस इंडक्टर से 6 एम्पियर की जाएगी उस समय रेट ऑफ उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर, इस रजिस्टर से गुजरने वाली करंट का जो रेट ऑफ चेंज होगा DI/DT वो 6 एम्पियर पर सेकेंड का होगा। अब बोलता है कि वैल्यू ऑफ इंडक्टर वुड बी हाउ मच, इंडक्टर की वैल्यू, यहाँ एल हेनरी दिया है आपको, इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो पता लगानी है, और बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान से सोच समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो कैसे आएगा। ठीक है भाई, तो ये रहा आपका सवाल और ये रही इसके पीछे की सर्किट। ठीक है, अच्छा तीन ही ऑप्शन दिख रहे थे क्या, एक और ऑप्शन इसको मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमको, सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, तो इनिशियल कंडीशन क्या है यहाँ पर, इनिशियल कंडीशन ये है कि जब स्विच ओपन है उस समय इंडक्टर के अक्रॉस क्या हो रहा है, जब स्विच ओपन है। ठीक है, इनिशियली क्या है, टी इक्वल्स टू जीरो माइनस, देखिए आप इसकी एक इनिशियल कंडीशन बताइए, एट टी जीरो माइनस एंड टी जीरो प्लस वी हैव व्हाट। तो भाई स्विच जो है वो ओपन है, स्विच इज ओपन, द स्विच इज ओपन। तो अगर स्विच ओपन है तो बताइए इसके अक्रॉस, अगर स्विच यहां का ओपन है तो करंट कितनी जाएगी इंडक्टर के थ्रू, कोई करंट नहीं जाएगी, स्विच ओपन है तो जीरो करंट ना, देयर फोर आई ऑफ एल इज 0 एम्पियर। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गया कि करंट जो है इसके थ्रू जाने वाली वो जीरो हो गई। ठीक, अब सेकंड कंडीशन ये देखते हैं हम लोग कि एट टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो स्विच एस इज क्लोज्ड, स्विच एस जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अब सर्किट कैसी दिखेगी आपके पास, देखिए अब सर्किट कुछ ऐसी दिखनी चाहिए आपको, ये 18, ये स्विच यहां से क्लोज हो गया, देखिए यहाँ पर है 1 ओम रजिस्टर और यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है, आपको करंट इसी के थ्रू पूछा हुआ है, करंट आई एल, यहाँ पर इंडक्टर एल हेनरी, वैसे करंट नहीं पूछा आपको, इंडक्टेंस की वैल्यू पूछा है, 18 वोल्ट्स, दिस इज 1 ओम और ठीक बाकी का डेटा। तो अगर ये पोर्शन है आई एल करंट इस पूरे के थ्रू जा रही है, तो अब मुझे ये बोलता है कि भाई इस रजिस्टर पर चेंज जो होगा करंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका कुछ डेटा दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, तो मैं सबसे पहला काम करता हूँ कि यहाँ पर केवीएल लगा देता हूँ, एट स्विच जब क्लोज होगा वहाँ पर, तो उस कंडीशन पर जरा केवीएल लगा करके देखूँ कि क्या सिचुएशन हो रही है। अगर मैं केवीएल अप्लाई करता हूँ तो आई विल गेट द सिचुएशन प्लस 18 माइनस 1 आई एल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा इंडक्टर के लिए क्या लिखूँ मैं, इंडक्टर भी साथ में जुड़ा हुआ है, हमको बताना है इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस एल DI/DT, माइनस एल DI/DT, करंट कौन सी IL, IL करंट है कि करंट जा रही है इसके अंदर से। ठीक, तो अब देखिए फर्स्ट सिचुएशन, 18 माइनस 1 IL माइनस एल डी ऑफ IL डिवाइडेड बाई DT। ठीक, अब IL की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहां पे IL की वैल्यू मेरे पास क्या है, IL की वैल्यू तो जीरो है,
क्या इससे कुछ समझ आ रहा है? अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करें? ये जीरो तो दूसरे सिचुएशन का था, और हम यहाँ जीरो पुट कर सकते हैं क्या? नहीं पुट कर सकते हैं। क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि ये जीरो का सिचुएशन था, टी जीरो माइनस और जीरो प्लस था। अभी का कुछ दिया है क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया हुआ है। व्हेन द करंट थ्रू द इंडक्टर इज 6 एम्पियर, IL की वैल्यू जब 6 एम्पियर होगी तो रजिस्टर के थ्रू होने वाले करंट के फ्लो में चेंज आएगा 6 एम्पियर पर सेकेंड का। तो मतलब मैं यहाँ पे IL की वैल्यू अगर 6 रख दूँ, मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप 18 माइनस 6 पुट कर दो यहाँ पे, 1 × 6 माइनस एल ऑफ डी ऑफ IL बाई DT। देखिए आपको ये DI/DT कितना बोला क्वेश्चन में पता है? 6 एम्पियर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है करंट थ्रू द रजिस्टर में कितना चेंज हो रहा है, 6 एम्पियर पर सेकेंड दे रखा है इसकी वैल्यू। तो मतलब L × 6। अब शायद बन जाएगा ये सवाल, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। केवीएल लगा रहा था ना मैं, तो इक्वल्स टू जीरो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब जरा और सिंप्लीफाई कर लिए, 18 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 12, माइनस 6 टाइम्स ऑफ L इज इक्वल्स टू जीरो, या फिर 6L इज इक्वल्स टू 12। इंडक्टेंस L की वैल्यू हो गई 12/6 विच इज नथिंग बट 2 हेनरी। फाइनल आंसर आ गया मेरा यहाँ से, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। सीधे सीधे आपको सिचुएशन दे रखा है यहाँ पे, यहाँ स्टेडी स्टेट लगा करके उसको शॉर्ट सर्किट बनाने की नीड ही नहीं। आपको तो L की वैल्यू पूछा है, तो आप डायरेक्टली L की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आप KVL इक्वेशन बनाइए, +18 - 1 IL, और इसके लिए क्या लिखेंगे, -LDI/DT। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्वेश्चन में दे रखा है, और प्लस आपको बोला है कि जब IL की वैल्यू 6 होगी तब इसका रेट ऑफ चेंज जो होगा वो भी 6 एम्पियर पर सेकेंड का होगा। यूटिलाइज करिए उस डेटा को, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका आंसर है, 2 हेनरी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपका आंसर आ चुका है 2 हेनरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 8 इसी के साथ होता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। टाइम स्टैम्प आपको सभी क्वेश्चंस का मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स को जरूर से देख लीजिएगा, पिंड कमेंट में आपको टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा। टाइम स्टैम्प के हेल्प से आपको जब जिस क्वेश्चन को एक्सेस करना है तुरंत उसी क्वेश्चन पर आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। 9th क्वेश्चन आ चुका है, एकदम बढ़िया इंटरेस्टिंग सा। लिखा हुआ, इन द गिवन सर्किट द स्विच SW इज थ्रोन फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन बी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। इनिशियली अभी ए से जुड़ा हुआ है स्विच, टी इक्वल टू जीरो पे स्विच जो है वो ए से उठ के बी पे जुड़ गया। फिर आगे लिखता है, द एनर्जी इन माइक्रो जूल्स टेकन फ्रॉम द 3 वोल्ट सोर्स टू चार्ज द 0.1 माइक्रो फेरेड कैपेसिटर। इस 3 वोल्ट के सोर्स से जो एनर्जी लेंगे हम माइक्रो जूल में, ठीक है, टू चार्ज द 0.1 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर जो यहाँ पर भाई साहब है, इनको चार्ज करना है, और कहाँ से कहाँ तक, 0 वोल्ट से 3 वोल्ट तक, वो कितना होगा? तो टोटल एनर्जी का सिचुएशन जो है वो यहाँ पर पूछ लिया आपसे। चलो इस सवाल को भी लेकर के चलते हैं बोर्ड पर जरा। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन में से जरा सर्किट डायग्राम को देखें। ये सर्किट डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल होगी, शायद नहीं होगी। चलिए तो अगर नहीं विजिबल है तो इसको इसको भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा विजिबल बनाते हैं। देखिए सिनारियो इसका, तो आपको पहला केस क्या दिया हुआ है, आप अगर पहला कंडीशन यहां से अज्यूम करेंगे तो देखिए कैसा दिखेगा। तो एट टी इज इक्वल्स टू, या एट टाइम टी 0 माइनस दैट इज इक्वल्स टू टी ऑफ 0 प्लस, इस समय पर बताइए कि करंट का क्या सीन है यहां पर, करंट या वोल्टेज का जो सीन है वो क्या है, यहां पे कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो देखिए टी इज इक्वल्स टू 0 माइनस या 0 प्लस दोनों सिचुएशन पर क्या सीन है, ये स्विच आपका ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है, अगर ए से जुड़ा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड पर यहां भी ग्राउंडेड है, इधर भी ग्राउंडेड है। अगर ये पूरा का पूरा पोर्शन ऐसे ग्राउंडेड दिखता है तो वोल्टेज कितना होगा इसमें, 0। तो वोल्टेज वी एट 0 माइनस दैट इज वोल्टेज वी एट 0 प्लस इज इक्वल टू 0 वोल्ट, करंट का भी यही सीन लिख सकते हैं हम लोग ऐसा यहां पर, ठीक। तो 0 माइनस या 0 प्लस का सिचुएशन जो है यहां पर तो दिख गया 0। अब आपको स्विचिंग की कंडीशन देखनी है कि जब टी इक्वल टू 0 हुआ, नाउ एट टी इज इक्वल टू 0, अब स्विच जो है मूव कर गया बी पर। अब स्विच जैसे बी की तरफ मूव किया, अब देखिए यहां पर क्या सिचुएशन दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है 3 वोल्ट, 120 ओम का रेजिस्टेंस है आर, ये बी पॉइंट पर आ गए हम लोग, और यहां से कैपेसिटर लगा हुआ है।
कैपेसिटर की वैल्यू 0.1 माइक्रोफैरेट। ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है आपको इस बी पॉइंट पर, ये अपना स्विच है, ठीक है, ये सिचुएशन यहां से अराइज हो गई। तो अब बोलिए यहां पर जो चार्जिंग पोटेंशियल जो है, जो या चार्जिंग वोल्टेज जो है ओवरऑल, ये कैसा दिखेगा। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ना कि ये कौन से स्टेट में चला गया। तो इस सिचुएशन पे अगर आप देखेंगे तो ये अपने स्टेडी स्टेट पे चला गया। ये जो कैपेसिटर है अपने स्टेडी स्टेट को अटेन कर लेगा टी इक्वल टू जीरो पर। भाई थ्री को ऐसे बना लीजिए आप और क्लियरली दिखेगा। अब तो दिख रहा है, अब स्टेडी स्टेट की कंडीशन पे तो मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ओपन सर्किट है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना दिखेगा, उतना ही जितना यहाँ पे, दैट इज 3 वोल्ट्स। तो कैपेसिटर का वोल्टेज जो है दिस विल लुक लाइक 3 वोल्ट्स एट टी इज इक्वल टू जीरो स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक। लेकिन ये सब कर क्यों रहा हूँ मैं, मुझे फाइंड क्या करने बोला क्वेश्चन में। सवाल अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन द गिवन सर्किट ये सिचुएशन है, द एनर्जी इन माइक्रोजूल टेकन फ्रॉम द 3 वोल्ट सोर्स टू चार्ज द कैपेसिटर फ्रॉम 0 to 3 वोल्ट। कैपेसिटर को उसके 0 वोल्ट से लेकर पूरा 3 वोल्ट तक चार्ज करने में टोटल कितनी एनर्जी लग रही है। तो ये जो एनर्जी लग रही है ना, इसका डिसिपेशन यहाँ बैठा हुआ रजिस्टर जो है ये भी करवा रहा है। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ आपको। इस पूरे सिचुएशन में जब 3 वोल्ट हमको यहाँ पर दिख रहा है, उस समय भी यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर का डिसिपेशन हो रहा है। कितना पावर का डिसिपेशन हो रहा है, आई स्क्वायर आर पावर का डिसिपेशन हो रहा है। और अगर एनर्जी डिसिपेशन की मैं बात करूंगा, अगर मैं एनर्जी डिसिपेशन की बात करूं, एनर्जी डिसिपेशन अक्रॉस, भाई कैपेसिटर भले ओपन हो, आर तो है ना बैठा हुआ है वहां पर, आर तो दिक्कत करेगा। तो एनर्जी डिसिपेशन अक्रॉस द आर इज गिवन एज ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ आर टाइम्स ऑफ डीटी। और यहां पर लिमिट भी पुट कर देता हूं मैं 0 से t का। इस हिसाब से हम लोग लिखेंगे पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इतना चेंज हो रहा है इसके अंदर, ठीक। अब यहाँ पे टी की जगह मैं माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी का फॉर्म जो है उसको पुट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर एक सिनारियो ये पता है कैपेसिटर के केस में, देखिए मुझे टोटल एनर्जी चाहिए। अब कैपेसिटर को जब चार्ज कर रहा होगा ये सर्किट, तभी भी एनर्जी जाएगी किसके अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस। कैपेसिटर को जब डिस्चार्ज कर रहा होगा आपका सर्किट, यानी कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होकर रिलीज कर रहा होगा अपनी एनर्जी, तो भी यहाँ पर एनर्जी का वेस्टेज होगा। तो दो बार एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसके चार्जिंग के टाइम पे, उसके डिस्चार्जिंग के टाइम पे, ठीक। तो एनर्जी ड्यूरिंग द चार्जिंग एक्शन, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हाइल इट इज बीइंग चार्ज्ड, वो हम लोग लिखते हैं हाफ सीवी स्क्वायर। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इस पोर्शन की नीड नहीं पड़ेगी। तो जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया कि रजिस्टर है तो उस वजह से पावर डिसिपेशन हो रहा है, बट आप यहाँ पर अभी फोकस करिए, मेन सोल्यूशन है आपका। तो एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर ये भी हाफ सी वी स्क्वायर होगा। और आपको पूछा टोटल एनर्जी कितनी लगेगी पूरे कैपेसिटर को पूरे 0 से 3 तक चार्ज करने में, तो एनर्जी ई टोटल इज इक्वल्स टू ई ऑफ सी प्लस ई ऑफ डी, दैट इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर, पूरे को ऐड कर दीजिए, दिस विल बी सी वी का स्क्वायर, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सर्किट। यही टोटल एनर्जी जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। डायरेक्ट देखिए पूरा सोल्यूशन ना एक्चुअल में इस क्वेश्चन का इतना ही है, ऊपर का पोर्शन सिर्फ आपके समझने के लिए था, केवल आपको समझाने के लिए मैंने उतना डिटेल यूज किया। अदरवाइज अगर आपको वो चीज़ें पता है तो पूरा सोल्यूशन इतने में ही सिमटा हुआ है। देखिए मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर, वी की वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कितना है, 3। ई टोटल इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस की वैल्यू, 0.1 माइक्रोफेरेड पुट कर दूं, 0.1 × 10⁻⁶। अच्छा इसको नहीं पुट करता हूँ -6, क्योंकि आंसर मेरा वैसे भी माइक्रो जूल्स में ही है। तो 0.1 × V² यानी 3 × 3, 3 का स्क्वायर, 3 वोल्ट दिखा था हमको यहाँ पे, 3 × 9 और 0.1, तो टोटल एनर्जी 0.9 माइक्रोफेरेड, नहीं सॉरी दिस इज इन माइक्रो जूल्स, दिस इज माई फाइनल आंसर। पूरा क्वेश्चन इतना ही है बस, जो एक्चुअल इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो केवल इतना है, लेकिन बाकी का डिटेल आपको समझाने के लिए बताना जरूरी था कि भाई वो अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पर उसका सिचुएशन है किस तरीके का, कि भाई टी इक्वल्स टू जीरो माइनस पे क्या हो रहा है, 0 प्लस पे क्या हो रहा है, और 0 पर क्या सिचुएशन है। तो हर पॉइंट पर आपको ये समझ में आ जाए कि कब ये ओपन सर्किट हो रहा है, कब स्टेडी स्टेट को अटेन कर रहा है, ये क्लैरिटी आ जाए। अदरवाइज सोल्यूशन तो केवल इतना ही है इस क्वेश्चन का, इतना ही सोल्यूशन है, ठीक है। तो 0.9 माइक्रोजूल इज द राइट आंसर। लेट अस सी ये आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में ये आंसर था कि नहीं था, ये रहा सी ऑप्शन में,
तो अगर आपने सी ऑप्शन ऑप्ट किया है तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑन दिस। और अभी तक 9 सवाल आपने सही कर दिया, बस 10वां और आखिरी क्वेश्चन जो है वो आने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ ये 9th सोल्यूशन कंप्लीट होता है, 10th अब यहाँ से शुरू होगा। 10th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग एकदम बढ़िया जो रनअप है, स्ट्राइक रेट है, अच्छा मेंटेन करके चल रहे होंगे। अब इस 10वें सवाल पे आते हैं, इस पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लिखा हुआ है, इन द सर्किट शोन एट रेजोनेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द साइनोसॉइडल वोल्टेज इन वोल्ट्स अक्रॉस द कैपेसिटर इज हाउ मच। रेजोनेंस के समय मैग्नीट्यूड ऑफ साइनोसॉइडल वोल्टेज वी अक्रॉस द कैपेसिटर, मतलब आपको यहाँ का वी सी पूछा है, वो भी कब? रेजोनेंस के समय। अब आपको पता है कि एट रेजोनेंस एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, वी एल वी सी सब बराबर होके कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक। तो अब यहाँ पे वी सी जो है वो निकालोगे कैसे आप? यहाँ पे डेटा में आपको क्या दिया हुआ है? वी मैक्सिमम दिया हुआ है, ठीक। लेकिन आपको डेटा किसमें पूछा है? साइनोसॉइडल वोल्टेज केवल लिखा, मतलब वी आर एम एस के फॉर्म में पूछा है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इससे वी आर एम एस बता लेता हूँ। वी आर एम एस टोटल जो है दिस इज गिवन एज 10/√2 वोल्ट, ठीक। अब ये वी सी की वैल्यू स्पेसिफिकली अगर मुझे फाइंड करनी है तो क्या डेटा मैं यूज़ करूँ? तो इसको फाइंड करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल है कि वी सी इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ वी आर एम एस। मुझसे मैक्सिमम वोल्टेज पूछता तो मैं वी एम यूज़ कर लेता यहाँ पे। अभी फिलहाल आर एम एस पूछा है, मैंने आर एम एस पुट कर दिया। क्वालिटी फैक्टर का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। तो ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्वालिटी फैक्टर के डेरिवेशन में। बहुत सारे तरीकों से आप इसका डेरिवेशन देखते हो, उसमें से एक ये भी है। इसी के बाद फिर हम लोग आई सी और आई टोटल या आई आर के फॉर्म में उसको फिर डिस्क्राइब करते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर, अच्छा क्वालिटी फैक्टर में भी सीरीज का क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन क्या हो जाता है वो भी देख लीजिए। तो वी सी इज इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू यानी कि 1/R√L/C। पैरेलल का होता अलग होता, आर मल्टीप्लाइड विथ √C/L जस्ट अपोजिट हो जाता है इसके, ठीक है। तो दिस वैल्यू और ये मल्टीप्लाई होना चाहिए किसके साथ? 10/√2 के साथ। सॉल्व कर लीजिए, पूरा डेटा आपके सामने क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए इसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/R, दिस वैल्यू विल बिकम फाइनली वी सी इज इक्वल्स टू 1/4, उसके बाद √L/C, L का मतलब 0.1 × 10⁻³, और C की वैल्यू कितनी है? 1 μF, ठीक है। ये डेटा और मल्टीप्लाइड विथ 10/√2। तो 10⁻³ यहाँ से है, इधर 10⁻⁶ से ऊपर जाएगा, +3 बचेगा और 0.0 यानी कि 100 बाहर निकल के आएगा, 10 बचेगा यहाँ पर। तो दिस वैल्यू विल बी वी सी इज इक्वल टू 10/4 मल्टीप्लाइड विथ 10/√2। 10/4 और 10/√2 यहाँ से बचता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए। तो 10/4 अगर मैं देखूं तो ये कितना आ गया? 10/4 का मतलब हो गया, उधर उस क्वेश्चन में भी सॉल्व किए थे ना, 2.5 और मल्टीप्लाइड विथ 10/√2। तो ये हो जाएगा 25/√2, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी सी। यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है ना, 25/√2, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1. ये हो गया, तो 25 का 17 के आसपास कुछ डेटा आएगा, 17 के करीब करीब का डेटा मुझे एक ही दिखता है, ऑप्शन डी। 17 के करीब का डेटा जो है वो एक ही दिखाई देता है, 20 से स्लाइटली नीचे, 15 से ऊपर। तो 20 से नीचे और 15 से ऊपर एक ही डेटा है मेरे पास, दैट इज ऑप्शन डी। तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था। आपको डायरेक्टली वी सी की वैल्यू यहाँ पे पूछा हुआ था, क्वालिटी फैक्टर के हेल्प से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे और इस पर पूरा फॉर्मूला आप अप्लाई करके फाइनल वी सी निकाल सकते थे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन होता है कंप्लीट। अगर आपने इस वीडियो से पहले क्वेश्चन वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ अभी एंड स्क्रीन पर आपको अभी क्वेश्चन वीडियो दिखाई दे रहा होगा, तुरंत उसको क्लिक कर लीजिए और आज का क्वेश्चन वीडियो पहले देख लीजिए, बाद में इस वीडियो को आप फिर से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन वीडियो देख चुके हैं तो ये था आज का कंप्लीट सीरीज आज के डे का। अब ऐसे ही कल नए सब्जेक्ट के साथ हम लोग मिलेंगे विद अ न्यू सब्जेक्ट, न्यू 10 क्वेश्चंस, जबरदस्त तरीके से ऐसे ही बनाएंगे। तो कल शाम 7:30 बजे आपको मिलेगी क्वेश्चन सीरीज नए सब्जेक्ट की, नए 10 क्वेश्चंस की, और उसके एक घंटे के बाद सोल्यूशन आएगा इस सोल्यूशन की तरह। तो आई होप आपको मजा आया होगा इस टेक्निक में और ऐसे ही मस्त तरीके से पढ़ते रहेंगे आप लोग, ठीक है। सो टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कमेंट सेक्शन पर टाइम स्टैम्प चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आंसर की आपको मिल जाएगी
आज के सेशन की। टेक केयर वंस अगेन एंड जय हिंद।